मन से जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग झारखंड पौधा जमीन पर विश्वास नहीं करते थे और दिल्ली एम्स से लेकर पैरस हॉस्पिटल तक इलाज करवाए, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन ललिता जी मैडम, हम समझते हैं कि यह चीज, ये महान कहा जाए कि एक दुर्गा माता जी को हम नेताजी देना चाहते हैं, ऐसे किसान मसीह में यह नहीं है, लेकिन आप लोग जोरदार ताली से उनको स्वागत करें। हम पांच वर्षों से काफी परेशान थे, यानी पैर से, डायबिटीज से, लेकिन यहाँ यहाँ मेरा पचमा रविवार है और शुक्रवार, और हमारे नेतृत्व में लगभग हमारे गांव से जब हमको सुधार होना शुरू हुआ तो हम जानकारी देते गए, लगभग 170 व्यक्ति मंगल, शुक्र और रविवार, और आज भी 40 से अधिक लोग हमारे नेतृत्व में आए। पति पत्नी हम दोनों लगातार आ रहे हैं और ठीक होने के बाद भी हम अपना समय निकाल कर हम आएंगे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं और विशेष रूप से ललिता बहन जो हमारे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्य रूप से डायबिटीज और पैर जो है काम नहीं करता था, और जानकारी दे दे कि हमारे पड़ोसी एक लड़का जो 2 साल से यहाँ भी पारस हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और बेगूसराय के जितने चिकित्सक हैं उनसे भी थके हुए थे, उनका घर पड़ता है पत्थर और वह घुसूट कर चलता था, लेकिन पिछले बार जब हम उनको लाए तो ललिता मैडम मंच पर आकर उन्होंने सम्मानित किया और आज जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाकर पैदल ही और मोटरसाइकिल भी चलना शुरू कर दिया। घुसा कर बच्चा चलता था और जब से यहाँ स्टार्ट किया ना इस बाइक के द्वारा, अब पैदल भी जा रहा है, मोटरसाइकिल पर चल रहा है और उनका बिजनेस भी चल रहा है। महान पिता का जोरदार चाहते हैं जिनके बारे में अभी बताए हैं वह भी हमारे साथ लगातार, कारण हमारे पड़ोसी है, लगातार यहाँ जितने बार हम आए हैं आम छोड़कर प्रत्येक दिन लाए हैं, और एक ललिता बहन का एक और नमूना चमत्कार हम जानकारी देना चाहते हैं कि वह लड़का एक्सीडेंट कर गया था, आप लोग जानते हैं अगर सुनने में बातें होंगे तो पत्थर चोट है, स्कॉर्पियो से वो लड़का जो है मान के चलिए कि पूरा पीस गया था, और 11 डॉक्टर चिकित्सक बेगूसराय उसको काट दिया, लेकिन हम लोग से राय लिया, राय लेने के बाद एक डॉक्टर यहाँ भर्ती था, डॉक्टर कहा इसको कटने और गंदन भी बचने कोई चांस नहीं है, तब उन्होंने ललिता मैडम को फोन किया कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, अगर आप में अगर जस है और खून है हमको बेटा खुला देंगे, और मैं मन से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस बच्चा को कान में मोबाइल सटाया और मैडम यहाँ से क्या पढ़ कर दिए कि वो लड़का बैठ कर खड़ा होकर चल रहा है। और हम चाहेंगे कि सिर्फ यहाँ इलाज ही नहीं बल्कि इनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध बन गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और खास